राजधानी के पास एरिया माल्य वेन्यू सदर कैंट में स्थित रामलीला मैदान में आज हम लोग आए हुए हैं दशहरा का सर्वे करने के लिए, कि यहाँ दशहरा जो है जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे पार्कों की बदहाली को दूर करने के लिए अधिकारी लोग अपने हर संभव प्रयास करेंगे। तो हमने भी अपने एक प्रयास को आपके साथ में जोड़ा कि यहाँ पे जैसे आप लोग दशहरा में आएंगे तो उसकी आपको पहले हार्दिक बधाइयाँ, और यहाँ पे आपका रामलीला मैदान में कोई भी लाइट और यहाँ पे भारी गंदगी और पार्क की बदहाली जो है हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे जो कुछ ही दिनों पहले यहाँ पे जो जल भराव बरसात के कारण हो गया था, मच्छर भी पैदा हो रहे हैं और यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे भी खेल रहे हैं वो भी कभी ना कभी डेंगू मलेरिया और अन्य बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे आए यहाँ पे देखा ना कोई कर्मचारी और ना कोई यहाँ की देख रेख के लिए रखा गया है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे यही थी कि पार्क के कोने कोने में जो गड्ढे हुए हैं जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे यहाँ हमने खेलते हुए देख ही रहे हैं वो कभी भी बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अपनी आँख मूंदे एसी रूम में बैठे हुए हैं और यहाँ पे जनता के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। राजधानी के पास कॉलोनी के पीछे रामलीला मैदान सदर के पीछे ये जो यहाँ पे आप नज़ारा देख रहे हैं ये अभी हाल ही में जो आपका दशहरा आ रहा है उसके लिए हम लोग पार्कों का सर्वे कर रहे हैं कि यहाँ पे कितनी गंदगी इकट्ठा है। बच्चे भी इसमें खेल रहे हैं, जो पन्नी हिंदुस्तान में बैंड हो चुकी है वो पन्नी भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, पॉली बैग्स जो नगर निगम अधिकारी दुकानों से और जगह जगह छापे मार रहे हैं, लेकिन ये पॉली बैग्स जो हैं फिर भी चोरी छुपे बिक रहे हैं। जो खम्भों के लिए लाइट रोशनी के लिए जनता के लिए है वो पता नहीं कितने सालों से ऐसे ही उजागर पड़े हुए हैं। तो भारी भारी संख्या में यहाँ बच्चे आपको खेलते हुए दिख रहे हैं, इसमें आपका यहाँ पे आप देखेंगे कुछ पानी भी अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले बारिश हुई थी तो यहाँ पे पानी भी काफी भरा हुआ है और यहाँ पे मच्छर भी पनप रहे हैं। सदर रामलीला मैदान में अधिकारियों की अनदेखी का ये पार्क जो है जीता जागता नमूना है, जो आपको यहाँ पे काफ़ी बच्चे भी दिख रहे हैं जिनको डेंगू मलेरिया और अन्य बीमारियों का खतरा उनके सर पे मंडरा रहा है। ये जो आप देख रहे हैं अभी दशहरा में रावण बनने की भी तैयारी होना शुरू हो गई है, दर्शक यहाँ आएंगे देखेंगे, लेकिन यहाँ के अधिकारियों को इसकी कोई भनक भी नहीं है कि यहाँ पे कितनी गंदगी और क्या लोग यहाँ पे दर्शक जो देखने आएंगे रावण को जलते हुए वो यहाँ पे बीमारियों का भी शिकार हो सकते हैं ये अधिकारी नहीं जान रहे हैं। और यहाँ पर दूर दूर तक के ना गेट पे और ना जो है कहीं पे भी कोई स्टाफ नहीं दिख रहा है कि कोई कर्मचारी हो यहाँ पे बताने के लिए कि आखिर में ये सब बदहाल
पार्क और मैदान जो है किस कारण से है? ये जो आप यहाँ पे लाइट का लैंप देख रहे हैं, आपको पास से दिखाते हैं कि इसके अंदर ये लाइट में कोई लैंप नहीं है, सिर्फ तार ही लटक रहा है। ये देखिए, ये देखिए एकदम साफ नजारा, जो आपको यहाँ बल्ब नहीं सिर्फ एक छोटा सा तार लटकता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे सारे लैंपों की यही हालत है और कोई भी एक बल्ब यहाँ पे नहीं दिख रहा। इसमें जो है कोई बच्चा अगर गिर जाए, ये पार्क के एकदम साइड का हिस्सा है जहाँ यहाँ आपने देखा ही कि इतने सारे बच्चे खेल रहे हैं, और अगर जो है इसके पास आते हैं तो कितनी बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। यहाँ जो आप मेरे पीछे गंदगी देख रहे हैं, ये ज़्यादा दूर की नहीं है, ये पास एरिया जो है माल्य वेन्यू और सदर कैंड रामलीला मैदान का ही है। ये पार्क जो है नशे का अड्डा, जैसे स्मैक और गांजे की लत, कुछ लोग दारू पीते हुए भी दिखे हैं, और यहाँ पर भारी गंदगी है जिससे कभी ना कभी लोग यहाँ पर बीमारी का शिकार हो सकते हैं। यहाँ पे कम से कम नहीं तो लगता है कि जैसे सालों से कोई सफाई के लिए नहीं आया है। ये लखनऊ का सबसे वीआईपी इलाका है माल्य वेन्यू, पास एरियो में से एक। यहाँ पे भारी गंदगी आप देख ही रहे हैं मेरे पीछे। इसी के साथ कैमरामैन सचिन श्रीवास्तव साथ, मैं अमित कश्यप आपसे इजाज़त चाहता हूँ, धन्यवाद।